ओके, आप यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल की कॉल पिक करेंगे और करीब करीब 3200 की कॉल। देखिए थोड़ा सा आप इस सेक्टर को समझ लीजिए, इस पूरे सेक्टर में क्या हो रहा है। अपोलो हॉस्पिटल्स ऑलमोस्ट डे हाई की डायरेक्टरी में है। सुबह सुबह शैल जी ने आज एक स्टॉक मार्क किया था, कल भी मार्क किया था, और वो था इंद्रप्रस्थ मेडिकल। ये स्टॉक 90 के जोन में आज सुबह, अगर आप देखें, हमने इस ट्रेड को पिक किया था लगभग समझ लीजिए कि 83 के जोन में, और उसके बाद ये स्टॉक 93 के जोन में लगाया, हाई लगा के आया। आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा सेक्टर वाइब्रेंट है इस वक्त, और डे हाई की ट्रेजेक्टरी में दोनों ही स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। एक टेक चेक लेता हूं यहां पर, चंदन जल्दी से बताइएगा 95-96 के इंद्रप्रस्थ मेडिकल्स में कितनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, उसके बाद मैं दो स्टॉक्स रखूंगा आपके स्क्रीन पर। बिल्कुल, देखिए इंद्रप्रस्थ मेडिकल काफी अच्छा लग रहा है, और इवन हॉस्पिटल और ये बाकी दूसरे काउंटर यहाँ पॉजिटिव मूव लगा रहे हैं, और जिस हिसाब से ये मशक्कत कर रहे हैं और अब निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं, लगभग 107-8 तक के लेवल बनने चाहिए, तो जरूर यहाँ पे इंद्रप्रस्थ मेडिकल को लेना चाहिए, 107-8 तक की अपसाइड यहाँ पे हासिल होनी चाहिए। जी वीरेन जी, बड़ी मेहरबानी, आपने इंद्रप्रस्थ मेडिकल पर अपनी नज़र डाली। यहाँ पर एक डेटा मैं बस आपको देना चाहता हूँ, जो भी हमारे दर्शक हमें लंबी अवधि के लिए स्टॉक्स पर ध्यान देते हैं, ज़रूर आपने मूवमेंट देखा है जो इस स्टॉक को 70 से 96 रुपए तक लेके गया है। लेकिन दो तीन बातें अगर आप यहाँ पर दें कि जो आप देख ही रहे हैं कि समस्या कोविड की कितनी गंभीर है, यहाँ पर अगर आप देखें जो रेवेन्यू आपको आता हुआ दिखेगा पहली तिमाही का, वो आप बहुत बढ़िया कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के साथ देखेंगे। जितना भी हॉस्पिटल स्पेस लिस्टेड है, चाहे वो नारायण हृदयालय है, चाहे शैल भी है, चाहे आप अपोलो हॉस्पिटल्स देख लीजिए, इन सब में जो मूव आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है कि जो पहली तिमाही के नतीजे होंगे वहाँ पर आप बहुत ज़बरदस्त मुनाफा और बहुत बढ़िया टॉप लाइन आते हुए देखेंगे इस कोविड समस्या की वजह से। अब अगर आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें और टॉप लाइन देखें तो ऑलमोस्ट 1:1 का आंकड़ा है। अगर आप किसी और हॉस्पिटल को देखेंगे तो वहाँ पर 2.5-3 टाइम्स ये आपको आंकड़ा दिखेगा। इसीलिए ये एक बहुत सस्ता स्टॉक है जो आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और समस्या कोविड की गंभीर है, उस वजह से आपने इसमें इतनी बढ़िया एक रैली आते हुए देखी। वीरेन जी, और क्या क्या पकड़ा आपने? जी शैल जी, इस वक्त दो चीज़ें मार्क करने लायक हैं, दो स्टॉक्स अगर आप देखें, आप प्लीज़ डायरेक्टर साहब OMCs लेके आइएगा। आप HPCL स्पॉट फ्यूचर फायर करिए, IOC स्पॉट और फ्यूचर फायर कीजिए। चंदन, अगर मैं थोड़ा सा भी अगर आप देखें सही हूँ, HPCL बहुत एक स्ट्रॉन्ग फ्लैग ब्रेकआउट देने वाला है। स्पॉट स्क्रीन पर रखिएगा, 267.75 का प्राइस मेरे स्क्रीन पर है, और IOC 106.40, ये भी टिपिकल यही पैटर्न है। लेकिन IOC में आप समझ लीजिए कि एक राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट होने वाला है, और आपका HPCL में एक फ्लैग का ब्रेकआउट होने वाला है एट 213। आप इसमें से क्या पिक करेंगे, और कोई ऑप्शन आपके आइडिया आपके जहन में तो प्लीज वो भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए आप दोनों की बात करें वीरू, तो काफी अच्छे सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और काफी दिनों बाद ऐसा हुआ है कि वीक ऑन वीक बेसिस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में पॉजिटिव मूव है। आप दोनों को कंपेयर करें तो दोनों का ब्रेकआउट अच्छा है, चाहे आप HPCL की बात करें, HPCL में लगभग 282 तक के अपसाइड बन रहे हैं, IOC भी अच्छा लग रहा है, बट दोनों में कंपेयर करें तो मैं यहाँ पे IOC पे जाना चाहूंगा। वीकली मंथली डेली चार्ट पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है, 107 के आसपास अभी प्राइस चल रहा है, 104.50 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 112 तक के अपसाइड बन सकते हैं। उसके अलावा यदि किसी को ऑप्शन में भी ट्रेड करना है तो जरूर इसकी एट द मनी ऑप्शन पे फोकस किया जा सकता है। आप एट द मनी ऑप्शन IOC की यदि देखें 107 की, तो इसमें ऑलरेडी यहाँ पे प्राइस अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का 107 की कॉल है, 3.5 रुपए चल रहे हैं, मेरे हिसाब से 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 6 से 6.5 रुपए तक के अपसाइड IOC की 107 की कॉल में बन सकते हैं। ओके, चलिए तो आपकी अगर आप देखें स्क्रीन पे IOC और साथ ही साथ HPCL डे हाई के जोन में आके ट्रेड करते हुए, दोनों ही ट्रेड्स ऑलमोस्ट डे हाई पर हैं। शैल जी, ग्लेन फार्मा आप देखिए, आज सुबह आपने डिस्कस किया था, 3 दिन से अगर आप देखें उस पर आप कमेंट कर भी रहे हैं, एग्जैक्टली डे हाई ग्लेन फार्मा। जी जी, तो वीरेन जी ऐसा हुआ
कि ये थीम भी आपको वैक्सीन से जुड़ी हुई दिखेगी। लगभग 25 करोड़ वैक्सीन आप ग्लैंड फार्मा को बनाते हुए दिखेंगे स्पुटनिक वी की, जो इस कंपनी को देनी है रशियन पेरेंट जो है स्पुटनिक वी का RFID। और हम लोगों ने कल इसको कमाई के अड्डे में हल्का सा छुआ था, वहाँ पर हल्की सी मुनाफा वसूली आई, लेकिन मजबूत काउंटर आपके सामने बहुत बढ़िया तरीके से मूव करता हुआ 3285, क्योंकि दो दिन की तेज़ी हो चुकी है और ये बहुत हाई बीटा काउंटर है जिसका प्राइस टिकट ज़्यादा है, तो इस पर ज़रा चार्ट चेक नहीं लेंगे, फिलहाल स्क्रीन पर ही आपको मार्क करते हुए दिख रहे हैं। चलिए, ऑल कहाँ फिलहाल आपको मूव आता हुआ दिख रहा है? मेरे ख्याल से वीरेन जी IOC के नतीजे आज बाज़ार में आपको आते हुए दिखेंगे और आपने HPCL वगैरह पर भी राय ले ली। एक चार्ट चेक बनता है IOC पर 107.20 पर, और कुणाल रामभिया साहब से जुड़ते हैं, वो आपको ये चार्ट चेक करके देंगे। कुणाल जी, अगर IOC के ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो एक मैसिव कप एंड हैंडल फॉर्मेशन की जो नेकलाइन थी वो 104.50 पे थी और उसका ब्रेकआउट हमने कल ही देखा। आज काउंटर कंटिन्यूएशन में